está el orden. हरे कृष्णा तोटा गोपीनाथ की कहती है तोटा गोपीनाथ आप लोगों ने श्रवण किया है। ये तोटा मतलब होता है जो बाग है। कहती ये जो स्थान है एक तरह से ये अभिन्न वृंदावन है। जैसे वृंदावन में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा गोकुलानंद जैसे वृंदावन में सारे ठाकुर आपको दर्शन करने मिलेंगे। आपको जगन्नाथपुरी में भी सारे ठाकुर अभी हम जाएंगे सारे ठाकुर को दर्शन करेंगे। श्याम सुंदर राधा गिरिधारी राधा मदन मोहन ये वृंदावन में अभी सब दर्शन करेंगे यहाँ पर। इसलिए ये अभिन्न एक तरह से अभिन्न ये वृंदावन है। इसलिए वृंदावन का ये कौन सा स्थान है कदी ये बंसीवट है। जैसे बंसीवट में वहाँ बंसीवट में नीचे गोपीनाथ जी प्रकट हुए इसलिए यहाँ पर भी महाप्रभु का समय में यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ वटवृक्ष था यहाँ पर। और ये सामने ये चटक पर्वत है प्रभुपाद जिसके ऊपर बैठ कर भजन किए। महाप्रभु जो ये चटक पर्वत को दर्शन करते थे उनको लगता था ये गिरिराज गोवर्धन। अभी हम जाएंगे वहाँ पर जहाँ प्रभुपाद भजन किया है। इसलिए जैसे गोपीनाथ जी प्रकट हुए बंसी वट को नीचे उसी तरह ये गोपीनाथ भी यहीं से प्रकट हुए। सर्वर किया कि काल अभी प्रश्न है ये ठाकुर जी कहाँ है कहाँ से आए। एक दिन महाप्रभु कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजन नंदन मेरे प्यारे कृष्ण कन्या कहाँ मिलेंगे। हाँ कृष्ण के बगैर मेरे छाती फट के जा रहा है। एक दिन महाप्रभु विकल होकर दौड़ रहे उनको पीछे पीछे सारे भक्त लोग पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते महाप्रभु यहीं पर आए क्योंकि ये अभिन्न वृंदावन जैसे यहाँ पर बंसी बट रहे। अभी महाप्रभु आकर के मिट्टी खोदने लग गए। भक्त लोगों ने कहा ये मिट्टी क्यों खोद रहे हैं। देखते 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 जो गोपीनाथ का जो सर है ना निकला देख करके तब महाप्रभु ने हमारे गदाधर पंडित को बोले गदाधर तेरे को एक रत्न दूंगा तुम लोगे। बोले प्रभु आप कोई चीज दोगे हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप तो जो दोगे हमारा प्राण है। तो उन्होंने मिट्टी से खोदते 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 ये विशाल ये गोपीनाथ विग्रह को जैसे बंसी बट को नीचे जैसे गोपीनाथ प्रकट हुए यहाँ पर श्री गोपीनाथ यहीं से प्रकट हुए। बोले श्री गोपीनाथ प्रश्न है कि फिर ये राधा कृष्ण कहाँ से आए और ललिता कहाँ से आ गई। गोपीनाथ तो प्रकट हो गए हैं। इसलिए श्रीक्षेत्र ग्रंथ में वर्णना करते हैं जब महाप्रभु दौड़ आए ना उनको साथ में गदाधर पंडित भी थे और उनके साथ में स्वरूप दामोदर भी थे उनके साथ में। हाँ जब यहाँ पर गोपीनाथ प्रकट हुए गदाधर पंडित जी कौन है वो स्वयं राधा रानी। जब गोपीनाथ जी को यहाँ स्थापन किया श्री गदाधर पंडित भी त्रिभंग ललित रूप में जैसे कृष्ण है अब धन राधा रानी की खड़ी सब जगह में देखो राधा रानी एक तरह खड़ी लेकिन यहाँ पर देखो दूसरे तरह से खड़ी एकदम त्रिभंग ललित रूप में जैसे कृष्ण खड़े होते ना यहाँ पर राधा रानी वैसे खड़ी हुई है। इसलिए गदाधर पंडित ही यहाँ पर श्री राधा रानी रूप में प्रकट हो गई और जो स्वर्ग दामोदर थे वो भी श्री ललिता सखी रूप में यहाँ पर प्रकट हो गए। कहते अब हर जगह में ठाकुर जी को दर्शन करोगे खड़े हुए कहीं बैठते हुए ठाकुर कहीं देखे हो कभी कहीं भी बैठते हुए ठाकुर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन केवल एक ही जगह है जहाँ पर ये गोपीनाथ जी बैठे हुए। तो गुरुदेव कहते ठाकुर जी विशेष करके दो जगह में ठाकुर जी को बैठते हुए मिलता है। कहते गोपीनाथ क्यों बैठे कारण किया उसका बहुत सारे कारण है बताया प्रभु जी बता रहे जब वृद्ध हो गए नहीं कर पाए एक बाजी की वजह से। गुरुदेव कहते थे यहाँ पर श्री गदाधर पंडित रहते थे महाप्रभु यहाँ पर रोज आते थे गदाधर के पास में भागवत कथा सुनते थे। कथा कौन सुना रही है गदाधर पंडित हैं। कथा सुन रहे हैं कौन स्वयं चैतन्य महाप्रभु। कहते यहाँ पर बैठ के कथा क्या सुनते हैं क्यों कथा सुनते हैं झुके हैं जो कृष्ण जो महाप्रभु रूप में क्यों आए इसका कारण है राधा रानी का प्रेम की महिमा किया।
मेरी माधुर्य कैसे है, राधा रानी मेरे माधुर्य को किस रूप में आस्वादन करती है, मुझे जितना आनंद करोड़ों गुना ज्यादा आनंद मिलता है। अभी लेकिन कहीं तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ना, कहीं तक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अभी ट्रेनिंग कौन दे सकता है, राधा रानी दे सकते ट्रेनिंग, और कोई ट्रेनिंग दे नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु बैठ करके जब गदाधर पंडित की कथा सुनाया करते थे, महाप्रभु बैठ कर कथा सुनते थे। अगर महाप्रभु कथा सुन रहे, फिर गोपीनाथ क्या करते, गुरुदेव कहते थे कि गोपीनाथ जब राधा रानी कथा करती है, कथा का सबसे बड़ा श्रोता कौन है, सबसे बड़ा श्रोता है कृष्ण ही। हमें भी कृष्ण कथा आनंद लगता है, लेकिन कृष्ण कथा के सबसे जिसको ज्यादा आनंद किसको लगता है, कृष्ण को। इतना बड़ा एक बार कोई एक साधु कथा कर रहे थे, बहुत पहले की बात, कोई एक साधु जो जयपुर में गोविंद देव मंदिर में जाकर कथा करते थे, कथा करते थे, साल में एक बार आते थे। जब एक साल के बाद फिर आए, जो श्रोता थे उन्होंने प्रश्न किया, बताओ तो पिछले साल हमने जो कथा की थी, कथा कहाँ पर हमने विश्राम दिया था और कथा कहाँ से शुरुआत हुई। एक साल पहले कथा हुई कि सब कुछ भूल गए। वो वक्ता ने कहा, लगता है यहाँ पर सही सही कथा तुम लोग नहीं सुनते, सही सही श्रोता नहीं थी। इतने में मंदिर की आवाज, मंदिर को अंदर से आवाज आई, बोला आप कैसे बता सकते हो यहाँ पर सही सही श्रोता नहीं, हम ना गोविंद हम ना, हमने कथा सुनी आपकी कथा यहाँ तक, यहाँ से आपने विश्राम किया था, इसको बाद में फिर कथा शुरू होगी, मंदिर से आवाज आई। इसलिए कृष्ण कथा में जो आनंद है, महापुरुष रूप में आनंद, यही कारण है कृष्णा कथा में कृष्णा भक्ति में क्या माधुर्य है, उसको आस्वादन करने के लिए भगवान स्वयं कलयुग में महापुरुष रूप में आते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, इसलिए यहाँ पर श्री गोपीनाथ जी यहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे हैं, राधा पंडित से कथा सुनते हैं, कहते ये कारण। गुरुदेव कहते दूसरे थान में कहाँ पर बैठे, अभी प्रभु जी बता रहे थे, जब रास करते करते जब कृष्ण रास से अंदर ध्यान हो गए, जब गोपियों ने देखा चलो हम जमुना किनारे में बैठ कर गोपी की गाई, क्योंकि कृष्ण को उनका भजन सबसे बड़ा प्यारा है, तो उन लोगों ने गोपी गीत गाई। कृष्ण स्वयं मनमथ के मनमथ रूप लेकर के रास को बीच में भगवान प्रकट हुए। जब प्रकट हुए गोपियों ने अपना उत्तरी निकाल करके वहाँ पर आसन बनाए और वहाँ पर गोपीनाथ जी को, वहाँ पर कहते हैं ये कौन है, बड़े बड़े ऋषि योगी ज्ञानी ध्यानी जिनको पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, तब भी उनको बैठे नहीं पाते, उनका हृदय में नहीं बैठा, हाँ उनका हृदय में नहीं बैठा पाते। लेकिन आज वो जोगेश्वर कहाँ पर बैठे हुए हैं, बोले गोपियों की चुनरी को, मतलब भगवान किसको प्रेम वशीभूत होते हैं, बोले गोपियों की, केवल गोपियों के प्रेम द्वारा ही उनको वशीभूत कर सकते, नहीं तो किसी रूप में वशीभूत कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर गोपीनाथ जी, इसलिए गुरुदेव कहते हैं दो जगह रुकना ही पड़ता है, भगवान तो बैठते हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए। और कैसे बैठे हुए, कैसे नहीं, पद्मासन करके, यहाँ पर पैसा देखो सवेरे आदमी दिखा था पूरा, जैसे कि आदमी तो पद्मासन करता है ना, ठाकुर जी पद्मासन करके बैठे हुए। और अंतिम समय में महाप्रभु का जो अंतर ध्यान, केवल दो जगह में कहते, एक साथ में दो जगह में महाप्रभु दर्शन दिया, कहते एक तो महाप्रभु यहाँ भक्तों के साथ में कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते 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 हठात महाप्रभु ने मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर बंद हो गया, थोड़ी देर बाद में देखते हैं ठाकुर जी महाप्रभु ने नहीं। इसलिए उसी विग्रह में ना एक चिन्ह है, एक चंडी में एक चिन्ह है, वो कपड़ा जब खोलते दिखाते, कहते महाप्रभु जब प्रवेश किए तो चिन्ह है, कहते इधर से ही महाप्रभु ने, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण देखिए ना, कहते और एक स्वरूप में दिखाते जगन्नाथ मंदिर में, महाप्रभु कीर्तन करते करते हटा जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु गए, बस वहीं पर उन्होंने महा जगन्नाथ मंदिर में अंतर ध्यान हो गए। यहीं पर जब रहते थे अमर गदाधर पंडित, एक दिन श्रीमद नित्यानंद प्रभु आए, कहाँ से, बंगाल से जब आए, उनने दो चीज लेकर के आए, एक तो स्पेशल राइस, बढ़िया वहाँ की जो सुंदर सुंदर जो वहाँ की एक अलग चावल है, तो सबसे जो बढ़िया चावल है, और दूसरे चीज लेकर के गोपीनाथ के लिए कपड़े लेकर के आए। देखो यहाँ पर सिखा देते हैं ना, अगर हम भी कहीं जाए खाली हाथ में, जैसे अपना कोई रिश्तेदार में जाते हैं खाली हाथ में कभी जाते हैं, उनके लिए, उनको बच्चों के लिए, उनके लिए कपड़ा लत्ता कुछ मिठाई कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। इसलिए सिखा देते हैं जब धाम में जाओ ना, खाली हाथ में जाया करो,
भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेकर उनके लिए कपड़ा लेकर के आओ, उनके लिए कोई भोग का सामान लेकर जाने चाहिए, क्योंकि यदि ये प्रेम का लक्षण है। इसलिए हमारे श्री रूपों को स्वामी कहते हैं, ददाति प्रतिगिर नहाती गुह माख्यति प्रचति भुक्ते भोजय तचय सर्विंद प्रति लक्षण। ये छह प्रति का लक्षण है, भोजन करवाना, भोजन लेना है। इसलिए ददाति देना और लेना है, इसलिए बुझवात को पूछना और बोलना, ये चीज होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु का समय पर महाप्रभु का समझो बंगाल हम तो कोई प्लेन में आए और कोई ट्रेन में आए, लेकिन वो उस समय पेड़ में आते थे। और महाप्रभु को जो प्यारा प्यारा चीज होता था ना, हाँ महाप्रभु जो प्यारा प्यारा चीज लेकर आते थे, हाँ करला को सुखा करके, साग को सुखा करके, और यहाँ तक थे भक्त जब आते थे गंगा का मिट्टी को महाप्रभु शौच क्रिया के बाद में हाथ में मिट्टी करते हैं ना, अभी तो साबुन निकल गया, पहले साबुन मिट्टी से ही सब कुछ करते थे। एक भक्त तो गंगा का मिट्टी को पाउडर बना करके जो कपड़े में छान करके कपड़े में एकदम कितना मुलायम होता है, महाप्रभु की उसको तक भी लेकर महाप्रभु शौच क्रिया के साथ में अपना हाथ को मिट्टी करेंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु आए तो उनके लिए दो चीज लेकर के आए, और गदाधर पंडित को दे दिए। गदाधर पंडित ने बड़ा सुंदर उन्होंने चावल बनवाए, बड़े सुंदर चावल बनवाए, और यहाँ अनावना साग मतलब जंगल में जो होता है पत्ता है ना, उसको लेकर के बड़ा सुंदर साग बनवाए और खट्टा भी बनवाया। किस चीज की कहते इमली, हाँ इमली है ना, इमली पेड़ का जो कोमल कोमल पत्ते कोई खाए हो पत्ता खट्टा जैसे होता है, उसको पीस करके और समुद्र का जो नमकीन पानी है उसको मिला करके उन्होंने गोपीनाथ के लिए बैराग्य ना कहाँ से क्या लाएगी जो आसानी से मिल जाए, उसको लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। क्यों जो वैष्णव लोग हैं ना वो चाहते जितने आसानी से ही शरीर निर्वाह हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा हमें समय मिले, और ज्यादा से ज्यादा समय तो भगवान के भजन में लगा है। अगर खाने पीने में अगर दिन भर अगर लग गए क्या होगा, भजन भजन खत्म, खाने पीने में इसलिए किसी तरह से अना बना साज बनाए थे। लेकिन महाप्रभु तो सरबर करते हम सब जानते हैं, बस महाप्रभु तो कीर्तन करते करते महाप्रभु इधर आ गए, हाँ समुद्र में स्नान किया, स्नान करके सीधा इधर आ गए, महाप्रभु सब जानते हैं। क्यों भैया, नित्यानंद प्रभु स्वयं चावल लाए, बनाया किसने, गदाधर पंडित राधा रानी, और खिलाया किसको, बोले गोपीनाथ जी को, क्या उसमें हमारा कोई भाग नहीं है, तुम अकेले अकेले खाओगे, हाँ तुम अकेले अकेले खाओगे, इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। जब उन्होंने ये बात बोले तो बोले क्यों आपका हिस्सा नहीं, बोले आपका हिस्सा है, फिर तो यहीं पर महाप्रभु आए और यहीं पर महाप्रभु ने भोजन किया, फिर उसके बाद में गदाधर पंडित भक्त लोगों ने था ना गुरुदेव प्रसाद पानी का ठाकुर जैसे लुट पाट के खाते थे, इसलिए महाप्रभु जो प्रसाद पाए गोपीनाथ जी का प्रसाद सबके लुट पाट खा करके यहाँ पर सबके सब यहाँ पर प्रसाद सब किया है। इसलिए ये जो गोपीनाथ है अभी आप लोग सुन रहे थे कि हमारी प्रयत्न मतलब हमारा जो लक्ष्य है क्या है, यद्यपि प्रेम बहुत तरह तरह का प्रेम है, लेकिन हमारा जीवन का जो लक्ष्य है महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के ऊपर जो प्रेम कर देते हैं ब्रज भी ये गोपियाँ गोपियाँ अंदर मंजरी भाव कर देते हैं महाप्रभु। इसलिए हमारे जो लक्ष्य है जो लक्ष्य क्या है गोपीनाथ ही लक्ष्य, गोपीनाथ लक्ष्य मतलब ये गोपियों ने सही से भजन किए, क्योंकि कृष्ण सब जगह पर उनका की प्रतिज्ञा था ये जथा माम प्रबद्ध जता हूँ तथे भजन मेरे को जो जैसे भजन करता मैं ठीक उसी अनुरूप उनको प्रेम देता हूँ। ये मुझे गोपियों के पास ही है रास लीला में आए कृष्ण को वहाँ पर फैल मानना पड़ा, भगवान को वहाँ पर ऋण मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, न पा रहे हम मेरे बच्चे संतोष ये गोपियाँ ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी क्योंकि मेरे लिए ना विष्णु का अपना पति पुत्र घर सब कुछ छोड़ जा करके छुटकार लेकर के मेरे शरण में आए हो, इसलिए मैं कभी भी तुम्हारे प्रेम कभी हुई बुरी नहीं। महाप्रभु की कृष्ण ये गोपियों के पास उन्होंने प्रार्थना की अपना भक्ति का भी छोड़ेंगे, इसलिए गोपियों की जो भक्ति है सर्वोत्तम भक्ति, इसलिए हमारे गोपीनाथ ये प्रयोजन हमारे लेकिन कृष्ण है गोपीनाथ का प्रयोजन है, लेकिन वो चीज़ हमें मिलेगा। इसलिए अभी भजन जो पढ़ रहे थे ना गोपीनाथ मोहन वेदन सुना श्रीला भक्ति वेदा श्री बाबन गोसाई महाराज वो कहते थे कि कीर्तन करो
और हमार जीवन सदा पापे रहते हैं, मतलब हमारा जीवन सबसे पाप में रहता है। वो कहते थे ये दो कीर्तन बहुत जरूरी कीर्तन करना, बाबा लोग सही बात करते हैं, क्योंकि हमारा हृदय में तरह तरह का अंदर काम कितने गंदी चीज है हमारे हृदय में। वो गंदी हृदय में ठाकुर जी कैसे आगे बढ़ जाएंगे, जब तक ये गंदी चीज को नहीं निकालोगे ठाकुर कैसे बैठेगी। इसलिए जो गोपीनाथ मम निवेदन सुनो बावन बार को रोज इसको पढ़ा करो, आप स्वयं पढ़ो आपका हृदय कैसे खोल कर जाते हैं। हमारा कैसे कैसे हृदय अंदर कमी के लिए भरा पड़ा हुआ, पूरा हमारा हृदय को कीर्तन में, इसलिए ये कीर्तन अगर पढ़ेंगे तो हृदय से गंदी चीज निकली, क्योंकि गोपीनाथ एक दिन हमारे हृदय में आकर बैठ सकते हैं। इसलिए हम सबके सबसे गोपीनाथ जी के पास जाए, इनसे हम प्रार्थना करें हमारे हृदय में तरह तरह का कामना वासना अनर्थ अपराध पता नहीं हृदय खोल कर उगाड़ दो ना, सब भाग जाएंगे यहाँ से। इतने गंदी चीज़ें हमारे हृदय पड़ा हुआ है ना, इतनी गंदी चीज़ें। इसलिए गोपीनाथ जी प्रार्थना करेंगे, गोपीनाथ जी कृपा करो हमारे हृदय से सारी गंदी चीज निकल जाए और एक दिन आप हमारे हृदय में राधा गोपीनाथ जी बल श्री कदाधर पंडित की बल श्री बलदेव प्रभु की रेवती रोहिणी माता जी की अनंत गति गौर भक्त वृंद की श्री गुरुपाद प्रभु की पिताई गौर।